स्वाद के निवाला में आप सभी का स्वागत है। काफी दिनों से वीडियो हमारा नहीं आ रहा था, इसके लिए आप लोगों से सॉरी है। इसलिए कि घर में दिवाली की सफाई और पेंटिंग वगैरह हो रहा था, इसलिए वीडियो नहीं डाल सके। फिर से आप कंटिन्यू रहेगा वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली के लिए स्पेशल रसमलाई अपने घर पे। इसको शुद्ध साफ तरीके से आपने घर में बनाइए और खाइए। ये बाजार में मिठाई बहुत महंगी मिलती है, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो बहुत कम कॉस्ट में बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। इसके लिए हम 1 लीटर गाय का दूध लिए हैं और 1 लीटर भैंस का दूध। हम ये कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आपको बताने के लिए कि गाय और भैंस का दूध इस्तेमाल करना है। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। पहले ये गाय के दूध को हम गर्म करके इसका छेना बनाएंगे और इससे रबड़ी बनाएंगे। इसलिए पहले इसको गर्म कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, गाय का दूध हम उबाल लिए हैं और इसको गैस पर से नीचे उतार लिए हैं। जब गैस बंद कर देंगे और इसको एक दो बार हम हिला के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा उसको टेम्परेचर कम हो जाए। इसके बाद आप 2 चम्मच वाइट विनेगर और 2 चम्मच पानी ये ले करके और इसको हम इसमें साइड साइड से डाल देंगे। गाय का दूध का छेना बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए इसका जो रसगुल्ला बनाना है रसमलाई का, तो गाय के दूध से बनाइएगा तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए, जितना विनेगर और पानी मिला के रखे थे वो हम पूरा डाल दिए हैं। और दूध देखिए अच्छे से फट गया, आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रीन पानी जो है अलग हो गया। अब इसको हम छान लेते हैं एक पतले मलमल के कपड़े में। और इसको हम कम से कम 3-4 बार साफ पानी से धुल लेंगे ताकि जो विनेगर का खट्टापन है वो निकल जाए पूरी तरह से। फिर आपको दिखाते हैं। ये जो बचा हुआ पानी है इसको आप किसी सब्जी के ग्रेवी में या आटा सानने में, ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसलिए इसको आप फेंके नहीं। ये देखिए, इसको हम पानी से अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। अब इसको हम ऐसे पोटली बना करके इसका पूरा पानी जो है वो हम अच्छे से निकाल लेंगे। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसे पनीर बनाते हैं उस तरह का नहीं करना हमें सेट, बस इसका पूरा पानी निकल जाए। जब से इसका पूरा पानी निकल रहा है तब से इधर हम रबड़ी की तैयारी कर लेते हैं। अब छेना को हम साइड पर रख दिए हैं, पहले हम रबड़ी बना लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। इसमें हम दूध गर्म कर लिए थे, जो भैंस का दूध था, फुल क्रीम दूध है। अब इसको हम कढ़ाई में पूरा डाल देंगे और इसको हम तब तक पकाएंगे, गाढ़ा करेंगे तब तक, जबकि 1 लीटर दूध 0.5 लीटर बचेगा तब तक हम इसको गाढ़ा कर लेंगे। इसको हम दूसरे गैस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इधर हम शुगर सिरप बना लेते हैं। इधर हम शुगर सिरप बनाने के लिए 1 कप चीनी ले लेंगे, इसको इसमें डाल देंगे और इसी कप से हम 4 कप पानी ले लेंगे। हमें इसे बहुत चिपचिपी चाशनी नहीं बनानी है, बस ऐसा बनाना है कि इसमें हम जो छेने का रसगुल्ला बनाएंगे इसी में इसको बॉईल करेंगे। ये 250 ml का कप है। अगर आपके पास कप नहीं है तो आप किसी भी कटोरी से भी नाप ले सकते हैं। जितना चीनी लेंगे उसका 4 गुना पानी। अब इसको हाई फ्लेम करके और इसको चीनी घुलने तक पका लेते हैं। जब तक हमारी चाशनी बन रही है और रबड़ी बन रहा है तब तक हम छेने को मसल करके इसका रसगुल्ला बना लेते हैं। इसको पहले अच्छे से फोड़ लेंगे, उसके बाद इसको हम हथेली की मदद से कम 4-5 मिनट तक, जब तक ये एकदम बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाता है मलाई की तरह, तब तक इसको हम ऐसे ही हथेली से रगड़ते रहेंगे।
अब एक टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल करके इसको फिर से हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके छोटे छोटे हम पेड़े बना लेते हैं। तो देखिए सारे पोर्शन को हम तोड़ लिए हैं छोटा छोटा। अब इसको हथेली में बीच में दबाते हुए इसका एक पेड़ा बना लेंगे, जैसे चिपटा सा पेड़ा होता है इसी तरह से बना के इसको हम रख लेंगे। एकदम बिल्कुल क्रैक्स न रहे ऐसा पाम से दबाते हुए आप इसको बनाइए। इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। चाशनी को हाई फ्लेम पे हम इसको उबाल लिए हैं। बिल्कुल जब ये उबलता रहेगा तभी इसमें हम जो छेने का रसगुल्ला बनाए हैं उसको हम एक एक करके डाल देंगे। इसको हाई फ्लेम में कम से कम 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही उबलने देंगे, इसको छुएंगे नहीं। अब इसको हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करके इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट हो गया, इसको एक बार चेक कर लेते हैं किस तरह से हमारा हो गया है। अब इसको हम बदल पलट लेते हैं सबको। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको टच कीजिएगा, नहीं तो बहुत सॉफ्ट होता है, ये टूट जाएगा। तो इसको मीडियम फ्लेम करके इसको फिर से 10 मिनट के लिए हम ढक करके पकाएंगे। आइए चेक कर लेते हैं इसको फिर से एक बार। दस मिनट हो गया इस साइड से भी पकाते हुए। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर हम रबड़ी को देख लेते हैं। पहले से देखिए दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इसको साइड साइड से हम खुरसते हुए इसमें जो मलाई पड़ती है उसको इसमें मिलाते जाएंगे। अब इसी समय में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट कटा हुआ, ये थोड़ा सा काजू और बादाम और थोड़ा सा इलायची पाउडर पीस के रखे हैं उसको डाल देंगे। और अगर चीनी यूज़ करना है आपको, हम इसलिए इसमें मिल्क मिट डाल रहे हैं कंडेंस मिल्क, क्योंकि हमारे पास पड़ा हुआ था। लेकिन अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसी स्टेज पे आधा कप चीनी डाल दीजिए इसमें। लेकिन हम अभी कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे उसके बाद ही इसमें डालेंगे। चीनी डालने पे फिर से दूध पतला हो जाएगा इसलिए और पकाना पड़ेगा, इसलिए हम चीनी इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ धागे केसर का डाल देंगे। रसमलाई में केसर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो इसकी जगह आप फूड कलर डाल सकते हैं। अगर फूड कलर भी नहीं है तो आप एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए, कलर आ जाएगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो। अब दूध हमारा ऑलमोस्ट आधा हो गया है। अब इसी समय में हम कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। तीन टेबलस्पून के करीब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। मीठा आप थोड़ा घटा बढ़ा भी सकते हैं जैसा आपका टेस्ट हो। इसको एक दो मिनट तक फिर डाल करके एक बार और पका लेंगे और फिर गैस को बंद करके अब ये ठंडा होने देंगे इसको भी। देखिए केसर से ही हमारा बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है, फूड कलर डालने की कोई ज़रूरत नहीं हमें। थोड़ी देर पका के गैस को बंद कर देते हैं और दोनों चीज़ को हल्का ठंडा होने देते हैं, फिर हम रसगुल्ला को इसमें ऐड करेंगे। अब रसगुल्ला भी ठंडा हो गया और रबड़ी भी बस हल्का सा गुनगुना है।
या तो रबड़ी गुनगुनी रहे या रसगुल्ला, दोनों में से एक थोड़ा गुनगुना रखिएगा ताकि इसमें जब डालेंगे तो अच्छे से सोख होगा। और हल्के हाथ से एक एक हम निकालेंगे और इसको प्रेस करते हुए इसका जितना सीरा है इसको हम बाहर निकाल देंगे। इसके बाद इसको हम रबड़ी में डाल देंगे। इसी तरह से सारे का रस निकाल करके इसको हम ये देखिए सारे रसगुल्ला को हम रबड़ी में ऐड कर दिए हैं। इसको आप कम से कम 3 से 4 घंटा इसी तरह बाहर रहने दीजिए। जब ये बिल्कुल अच्छे तरह से इसका रस अंदर भिन जाएगा तब इसको हम इसको फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद ठंडा ठंडा आप इसको एंजॉय कीजिए। अब हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए देखिए हमारी रसमलाई बन करके तैयार है। आप भी इस दिवाली इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए कि आपको कैसा लगा है। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।